हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे प्रीवियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचनांक के रूप में मानव विकास सूचनांक का सृजन किया गया है। हाँ, ये हमको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। अमृत सेन, गेरी बेकर, पॉल सैमुअलसन या फिर महबूब उल हक। इनमें से हमको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका महबूब उल हक। इसके द्वारा जो है 1990 में किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचनांक के रूप में मानव विकास सूचनांक का सृजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। हमको NRDWP का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रिवर डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम, नेशनल रोड डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम या फिर नेशनल रेल डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर कि किस शहर में के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। हमसे पूछा गया है कि किस शहर के हवाई अड्डे पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। हमें ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, चेन्नई, शिमला या फिर हैदराबाद। हमें बताना है कि इनमें से किस शहर में हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहन पोल यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था। हमसे पूछा गया है कि भारत के जो पहले स्वदेश निर्मित मतलब भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया था पहला एयरक्राफ्ट कैरियर उसका नाम क्या था, यह हमें बताना है। हमारा ऑप्शन दिया गया है INS विजय, INS शक्ति, INS गरुण या फिर INS विक्रांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत जो है पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहन पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम यहाँ पे रखा गया था। ये इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ पर देखे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। हमें ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या फिर अफ्रीका। हमें इसका राइट आंसर बताना है। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष कहाँ पे देखे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर हमसे पूछा गया है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष अध्यक्षता कौन थे, ये हमको बताना है। हमें ऑप्शन दिया गया है रेवेका अडानी, अडामी, एंजेला जुरादक, एलेनोर रूजवेल्ट या फिर हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। हमसे पूछा गया है कि खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। हमको बताना है खालिस्तान
में शुरू की गई, मतलब कहाँ पर शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बाड़ी बंदोबस्त के नाम के रूप में जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है बंगाल, दूसरा दिया गया है पंजाब, तीसरा दिया गया है बॉम्बे डेक्कन और चौथा दिया गया है केरल। हमें राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई डेक्कन। बम्बई डेक्कन में जो है शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हमसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, निजी क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण या फिर निर्यात आयात बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। तो इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है इनमें से, ये हमको पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष 2.0 जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर का है। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है, ये हमसे पूछा गया है कि तहकीक मा लिल हिंद नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेघस्थनी, दूसरा दिया गया है अल मसूरी, तीसरा दिया गया है इवन बतूता या फिर अल बरूनी। इनमें से किसके द्वारा यह किताब लिखी गई है हमसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर है अल बरूनी के द्वारा जो है तहकीक मा लिल हिंद पुस्तक लिखी गई है, इसको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 40 यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग एप्स नहीं है, हमको बताना है। हमको ऑप्शन दिए गए हैं पुश बुलेट बुलेट सुपर बीम सरफ्लाई या फिर एयर ड्राइव, ये हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल शेयरिंग एप्स नहीं है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरफ्लाई। सरफ्लाई जो है एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, इसको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर हमसे पूछा गया है कि कहाँ पर जो है भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। 1944 में, 1941 में, 1940 में या फिर 1936 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में जो है भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश की एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, इसको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोल गुंज किस राज्य में स्थित है, ये हमको बताना है। पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा हिमाचल प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। हमको बताना है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो गोल गुंबज जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, ये हमको बताना है कि पीएचडी जो है डॉट पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, ये हमसे पूछा गया है। हमारा ऑप्शन दिया गया है एडोब फोटोशॉप, दूसरा दिया गया है एडोब एक्रोबेट, तीसरा दिया गया है पेंट शॉप प्रो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से जो है पीएचडी फाइल एक्सटेंशन जो है वो किस में यूज होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप में जो है पीएचडी जो है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है होमी जे भाभा, एस एन बोस, एस चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई। हमको बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा की जो है उपस्थिति में यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। हमारा ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, बी आर अम्बेडकर को, या फिर सुभाष चंद्र बोस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को, जो है वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर, श्रवण बेलगोला में स्थित ओमतेश्वर मूर्ति का सामग्री से बनी है, यह हमसे पूछा गया है कि श्रवण बेलगोला में स्थित ओमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है, ये हमको बताना है। पहला ग्रेनाइट से, दूसरा संगमरमर से, तीसरा लाल पत्थर से, या फिर लोहा अयस्क से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो श्रवण बेलगोला में स्थित ओमतेश्वर मूर्ति है वो जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर, जो है अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र की विशेषता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया की, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, उत्तर कैलिफोर्निया की, या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती विशेषता है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, या फिर समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाण भट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर हमसे पूछा गया है, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल के रूप में नामित किया गया था, 2000 से 2010, 1970 से 1980, 1981 से 1990, या फिर 1990 से 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981 से लेकर 1990 के दशक में जो है यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेयजल के रूप में नामित किया गया था, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर हमसे पूछा गया है कि किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAS विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। ऑप्शन एक दिया गया है हिमा दास, ऑप्शन दो दिया गया है अंजू बोबीजार, ऑप्शन तीन दिया गया है पीवी सिंधु, ऑप्शन फोर दिया गया है पीटी उषा। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बोबी जॉर्ज। इन्होंने जो है वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAS विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है, इसको आपको याद रख लेना है। किसने हासिल किया है, अंजू बोवी जॉर्ज ने हासिल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। 51 नंबर हमसे पूछा गया, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में खालिस्तान और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या फिर बीबी गिरी, ये हमको से पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। जो है 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। 52 नंबर हमें पूछा गया है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत की किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमको बताना है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है
स्वदेशी आंदोलन ने जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो है कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये आपको याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे पूछा है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र, फार्मास्यूटिक उद्योग, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र या फिर उर्वरक उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र, जो है भारी जल शब्द से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि भारी जल शब्द किससे संबंधित है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। 54 नंबर हमसे पूछा गया है, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य है। यूएन सुरक्षा परिषद में क्या है, 10 अस्थायी सदस्य है। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 4 वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। जो यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वादियों के अंत को सुनिश्चित करता है, ये हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, ये हमसे हमको बताना है। अनुच्छेद 18 जो भारतीय संविधान के जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है 56 नंबर, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम, मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल या फिर संयुक्त प्रांत, ये हमसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि संयुक्त प्रांत में जो है 31 दिसंबर 1947 को भारत संविधान सभा में प्रतिनिधित्व अधिकतम, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया था, 1885 में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। पटना में, मद्रास में, बम्बई में या फिर कलकत्ता में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन वो बम्बई शहर में किया गया था। प्रश्न 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं, बताना है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मोनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे पूछा गया है, IMF और विश्व बैंक की का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि IMF और विश्व कप का गठन कब हुआ था, 1944 में हुआ था, और उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। वियना में, जिनेवा में, वॉशिंगटन डीसी में या फिर न्यूयॉर्क में, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वॉशिंगटन डीसी में जो है IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, ये आपको याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर हमसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है, या फिर चंद्रगुप्त गौर के मौर्य के गुरु कौन थे, यह हमसे पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम हमसे पूछा गया है, स्कंदगुप्त था, विष्णुगुप्त था, विष्णु शर्मा था या फिर कल्हण था, यह हमको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था विष्णुगुप्त, यह आपको रखना है याद। विष्णुगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है विष्णुगुप्त, ये आपको याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि और भी इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू RRB NTPC, तो इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब।